खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। और इस प्रेस वार्ता के आयोजन के अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि केंद्र सरकार के द्वारा जो अभी हाल ही में अग्निपथ योजना रखी गई और वहीं बुलडोजर की जो ये प्रक्रिया की जा रही है, इसी को लेकर के प्रेस वार्ता की गई। तो दिखाते हैं इसी पर रिपोर्ट कि प्रेस वार्ता के अंदर क्या कुछ माहौल देखने को मिला है। मिसाल के तौर पर चंद बातें आप सामने रखना चाहता हूँ। डीमोनेटाइजेशन का फैसला हुआ था पिछली सरकार में, उसके बाद आपके फॉर्म लॉज मंजूर हुए एग्रीकल्चर से मुताले, जिसे बिलासर गवर्नमेंट ने वापस लिया एजुकेशन के बाद। आर्टिकल 370 का अप्रिगेशन हुआ, CAA का कानून मंजूर किया गया, ट्रिपल तलाक का बिल लाया गया, और अभी रिसेंटली अग्निपथ से मुताल्लिक जो बात प्रधानमंत्री ने पब्लिक डोमेन में रखी। हमें ऐसा लग रहा है कि हम एक ऑटोक्रेटिक देश की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें संख्या के आधार पर चंद लोग फैसले करते हैं और पूरे देश को थोप देते हैं। इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में पिछले चंद सालों से जो आर्थिक नीतियां बनाई जा रही हैं, आर्थिक संदर्भ में जो फैसले हो रहे हैं, उसका जो परिणाम है वो हमारे सामने आ रहा है। बड़े आर्थिक संकट से सब देश गुजर रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है और अनएम्प्लॉयमेंट अपने सीमा पर, और इन मुद्दों से भटकाने के लिए लोगों को नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाया जा रहा है। पहले लिंचिंग हुई, फिर लवजात का इशू खड़ा किया गया, फिर हिजाब बैन का प्रॉब्लम चला, चाहे किसी एक स्टेट में चला, और फिर पत्थर के जवाब में बुलडोजर का आतंकवाद शुरू। देखा है आपने उसको सामने, और अब अग्निपथ पे जब हमने फैसला किया या फैसला करने का निर्णय लिया और पब्लिक डोमेन में रखा, उसके जवाब में जो एजिटेशन हुए हैं, जिस तरह गाड़ियां जला दी गई, जिस तरह ट्रेनें जला दी गई, जिस तरह जो है देश की संपत्ति का नुकसान उठा, वहां क्यों नहीं बुलडोजर चलाया गया? वो तो उससे बड़ा मसला था। ये जो बुलडोजर आतंकवाद करके एक विशेष वर्ग को एक मैसेज देने की जो कोशिश हो रही है, वो हमारी प्लूरल सोसाइटी के लिए, हमारी सदियों की परंपरा के ऊपर में एक बहुत बड़ा घातक हमला है। देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है, देश की डेमोक्रेसी पे हमला है, देश की प्लूरल सोसाइटी पर हमला है। और हम ये समझते हैं कि इस पूरे मामले पे जो हमारी वीक अपोजिशन पार्टियां हैं, चाहे पार्लियामेंट में हो या पार्लियामेंट के बाहर, किसी भी देश के अंदर अगर सत्ता में बैठे हुए लोग कोई ऐसा निर्णय लेते हैं जो देश हित में नहीं है, पब्लिक के हित में नहीं है, तो ये हमारी परंपरा रही है, चाहे वो कांग्रेस की सत्ता रही हो या बीजेपी की सत्ता रही हो, होता यह है कि अपोजिशन पार्टियां पब्लिक डोमेन में जाती है लेकर, और ये कहती है कि ये फैसले और ये निर्णय सही नहीं हुए, गलत। झूठे यानी मुकदमे लगाकर मनगढ़ंत मुकदमे तैयार करके जेलों में डाल देती है और बुलडोजर चला देती है। राजस्थान में अभी तक ना तो बुलडोजर चला है, ना ऐसे कौन सा मुकदमा है जिसे कि झूठा मुकदमा सरकार ने लगाकर जेल में डाल दिया। मैंने तो बीजेपी के संदर्भ में कहा, लिखा है संदर्भ, आपने सरकार कांग्रेस की है सर, यहाँ पर नहीं, मैंने तो देश की बात, देखिए हमने लिखा है बीजेपी, उसमें लिखा है बीजेपी की सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, और उसमें बहुत सारे फैसले हमने यहाँ पार्टी को संगठित करने के सिलसिले में लिए हैं। लेकिन ये जो विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस हम रख रहे हैं, ये देश के संबंध में जो महत्वपूर्ण इश्यूज इस वक्त देश के सामने हैं, वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। पहली बात हम ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त में सेंटर में और कुछ स्टेट में जो बीजेपी की सरकारें हैं, वो जिस तरह से फैसले ले रही हैं,
पार्लियामेंट में और असेंबली में। तो हमारी जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, जिस तरह पार्लियामेंट में डिबेट्स होते हैं, डिस्कशन होते हैं, और अगर डिबेट और डिस्कशन इनकन्क्लूसिव हो तो वो सिलेक्ट कमेटी और दूसरी कमेटी को भेजे जाते हैं, जिसमें और तफसील से डिबेट होकर वो दोबारा पार्लियामेंट में आते हैं। फिर हमारी ये भी परंपरा रही है कि हम अगर किसी विषय में कोई ख़ास पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनको वो पॉलिसी अफेक्ट करने जाती है, हम उनसे भी मशवरा करते हैं। पिछले चंद सालों से, या अगर मैं कहूँ पिछले 8 साल से, जिस तरह हमारे देश में बड़े बड़े कानून मंजूर हो रहे हैं, बड़ी बड़ी पॉलिसियाँ अडॉप्ट की जा रही हैं, वो बग़ैर किसी मशवरे के, सिर्फ संख्या के आधार पर पार्लियामेंट से पारित हो रही है, बगैर किसी डिस्कशन के।